Hello students, good morning. Today I am going to teach you, explain you the lesson 12 of your textbook Rainbow, class 10th, The Pie and the Tart. Hugh Chesterman. This humorous play is about two thugs of Paris, Pierre and Jean. Both of them are suffering from cold as well as hunger. They make a plan to trick Gaultier, an owner of a cake shop. First, they manage to rob Gaultier and his wife, Mario, of an ill pie. And although Jean receives a nice thrashing at the hands of the Gaultier, yet in half an hour's time, Pierre succeeds in the tricking Gaultier once again and takes away with their tart too. The pie and tart. बहुत ही humorous play है और drama है, जबरदस्त और बहुत बेहतरीन story है और बड़ा मजा आता है इसमें. किस तरीके से दोनों ठग जो है, ये यूरोप है, पेरिस मीन्स फ्रांस का कैपिटल जो है पेरिस है, पेरिस के दो ठग है पायरे एंड जिन, और दोनों जो है कोल्ड और भूख से, सर्दी और भूख से बिल्कुल परेशान हैं. और वो प्लान बनाते हैं, वो जिस जगह है वहाँ पर एक गाल्टियर नाम का एक जो है बेकर बेकरी शॉप ऑनर है, और वो पहले गाल्टियर और उसकी वाइफ मारियो को थोड़ा सा प्रैंक करके इलपाई हासिल करते हैं. और उसके बाद जो है अलव जिन रिसीव्स अ नाइस थ्रेसिंग एट द हैंड्स ऑफ द गाल्टियर. और यस, जो पायरे है वो ट्रिक्स है, टार्ट भी उनसे ले आता है. अब कैरेक्टर्स की बात हो जाए, कैरेक्टर्स में चरित्र पायर एंड जिन, दिस द सेंटर कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा और प्ले. पायर एंड जिन वेगाबॉन्ड्स है. वेगाबॉन्ड्स मीन्स काइंड ऑफ द ठग्स है, आउटस्कर्ट्स जो होते हैं वो लोग हैं ये. गाल्टियर अ पेस्ट्री कुक है. गाल्टियर जो है उसकी शॉप है केक की, और पेस्ट्री कुक है वो. मारियो गाल्टियर्स वाइफ, और मारियो जो है वो गाल्टियर की वाइफ है. देखते हैं अब किस तरीके से चलता है सीन. सबसे पहले हम सीन देखते हैं कि इसको किस तरीके से इस पे सीन बनेगा और क्या सीन बता रहे हैं ये. द सीन इज लैड आउटसाइड गाल्टियर्स केक शॉप इन पेरिस. पेरिस की एक सड़क है और सीन जो है गाल्टियर की जो केक शॉप है उसके आउटसाइड में है. द टाइम इज़ द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी. और ये जो टाइम है 15th सेंचुरी की बात है. द एक्ट कुड बी प्लेड ऑन अ कर्टेन्ड स्टेज विथ वन डोर बैक सेंटर द ओनली मीन्स. ये जो एक्ट है ये कर्टेन स्टेज पर खेला जा सकता है जिसमें एक डोर है बस, बैक सेंटर है. द ओनली फर्नीचर इज अ बेंच. और बैक में और सेंटर में एक बेंच है. राइट में जीन है. जीन एंड पायरे आर डिस्कवर्ड. और राइट में आप देखेंगे कि जीन और पायरे हैं. द फॉर्मर सीटेड ऑन द बेंच. एक फॉर्मर जो है सीटेड ऑन द बेंच इन एन एटीट्यूड ऑफ द एक्सट्रीम डिरेक्शन. द लेटर पासिंग अप एंड डाउन ब्लोइंग ऑन हिज फिंगर्स. बोथ मस्ट इंडिकेट दैट दे आर कोल्ड एंड हंगर हंग्री. दोनों जो है बोथ जिन एंड पायरे बैठे हुए हैं उस बेंच पे और बिल्कुल इस तरीके से ठिठुरा रहा है, ठिठुरा रहा है कच 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 ठंड में. और वो ऐसा शो कर रहे हैं, वो अपनी एक्ट से ऐसा शो कर रहे हैं कि वो उनको ठंड लग रही है और बहुत ज़्यादा भूखे हैं पेट पकड़ के. सो दैट इज नेक्स्ट थिंग स्टार्ट मीन्स यहाँ से आपका जो प्ले है वो स्टार्ट होता है. जिन द डायलॉग फ्रॉम द जिन रिगार्डिंग पायरेज रेस्टलेस पैसिंग. एक्चुअली में जो पायरे है वो
इधर से उधर घूम रहा है बिल्कुल अपने हाथ को वो करके, जैसे हमको ठंड लगती है तो इधर से उधर, और कुछ चीज़ हम जब किसी के उसमें रहते हैं जुगाड़ में, मस्ट यू कीप डूइंग दैट, हाँ यस यस तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, पार है, इट्स दिस ब्लास्टेड कोल्ड, कितनी ब्लास्टेड कोल्ड है, इफ आई स्टॉप वॉकिंग आई शैल फ्रीज, अगर मैं यहाँ टहलना रोक दूंगा तो मैं फ्रीज हो जाऊंगा, फ्रीज, आई एम डाइंग ऑफ हंगर एंड कोल्ड। पायरे ने कहा कि मैं इस ठंड और सर्दी और भूख से मरा जा रहा हूँ, जिन सो एम आई, तो मैं क्या जिंदा हूँ, बट आई प्रेफर टू डाई सिटिंग डाउन, किंतु मैं बैठ के मरना पसंद करूँगा, ये जिन ने डायलॉग पायरे बोलता है। वी मेक अ प्रेटी पेयर यू एंड आई, अरे हमारा कितना सुंदर जोड़ा है तुम और मैं, पेरिस शुड बी प्राउड ऑफ अस डिस्प्लेइंग हिज रैक्स, अरे क्या बात करते, पेरिस हम पे घमंड करता है, उसको गर्व है, देर आर 23 होल्स इन दिस ट्यूनिक, तुम्हें मालूम है इस ट्यूनिक में कितने होल है, 23 होल्स है, आई नो बिकॉज आई काउंटेड देम दिस मॉर्निंग, और मैं इसलिए जानता हूँ कि मैंने इसको गिना है सवेरे, दैट्स ओनली रिकॉइंग द वंस दैट लेट द विंड थ्रू, हर तुम क्या समझते, ये 23 जो छेद है ना, इनमें से हवा अंदर जा रही है, नो डाउट देर आर अदर्स बट लेफ्ट दैट पास, और बेशक और भी है छेद, तो जिन द होल्स इन योर ट्यूनिक डोंट इंटरेस्ट मी, तुम होल्स इन योर ट्यूनिक, अरे व्हाट अ मैटर यार, डोंट इंटरेस्ट मी, तुम्हारे ट्यूनिक में होल्स है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट दिस इज द होलो इन माई स्टमक, अरे मैं तो यहाँ पे जो गड्ढा मेरे पेट में है ना उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, वी मस्ट लीव एंड विदाउट अ मील, हमें बिना खुराक के बिना भोजन के जिंदा रहना है कैसे, पायर दैट्स वॉट आई सेट टू जज गॉस्टन वैन आई वॉज पिंच्ड लास्ट मंथ फॉर बैगिंग, और यही दैट्स वाई, यही बात तो मैंने उस जज से कही थी, गैस्टो से, जब हमको पिछली बार लास्ट मंथ मुझे भीख मांगने के जुर्म में पकड़ा गया था, और जज से जब कोर्ट में जब केस हो रहा था तब, जिन सेड व्हाट पायरे, ही आस्क्ड मी व्हाई आई डिडंट एंड आई सेड वेल योर ऑनर आई मस्ट लीव, उन्होंने पूछा था कि तुम क्यों नहीं, नहीं मैं जीना चाहता हूँ, एंड ही लुक्ड मी अप एंड डाउन एंड सेड आई रियली डोंट सी द नेसेसिटी, मैंने जब ये बात कही कि मैं जीना चाहता हूँ तो वो जज बोलता है कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं दिखती, आवश्यकता नहीं तुम्हें जीने की, जिन अ वॉक दैट जज पायरे ही डिडंट नो व्हाट इट वॉज टू बी हंग्री, जज को थोड़ी मालूम है कि भूख क्या होती है यार, सी हियर माई प्रैटी दिस कांट गो ऑन आई एम गोइंग टू नॉक ऑन एवरी डोर एंड द स्ट्रीट, अरे क्या समझ रहे हैं या देखो देखो मैं हर ये स्ट्रीट में इस गली में इस सड़क पे मैं सारे डोर खटखटाया आया हूँ, एंड सिंस चैरिटी बिगिन्स एट होम आई शैल बिगिन राइट हियर, और सबसे बड़ी बात है कि चैरिटी जो है वो घर से शुरू होती है और मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, इंडिकेटिंग द केक शॉप, यस यू हैड बेटर नॉट बी सीन, गो इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट एंड ट्राई योर लक देयर, तुम उधर जाओ मैं यहाँ से शुरू करूँगा, जिन बिगिन्स टू गो बट पायरे कॉल्स हिम बैक, जिन जाने को तैयार हुआ पर पायरे ने उसको बुला लिया, वेट अ मिनट ब्रदर लेट्स हियर व्हाट यू कैन डू, अरे 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 भाई किधर जाता है यार तू, इधर सुन तो सही, जिन नॉक्स ऑन द बेंच एंड अस्यूम्ड एज अ मेंडिकेंट वॉइस एंड एटीट्यूड, जिन बेंच को नॉक किया और सुनने लग गया उससे आवाज, ओके जिन फॉर द लव ऑफ सेंट अगाथा एंड ऑल द ब्लास्ट सेंट हाउ पिटी ऑन अ पुअर मेजरेबल हु हैज हैड नो फूड ऑफ 3 डेज, हाउस दैट, जिन कहता है सेंट अगाथा की कसम ब्लास्ट सेंट, ओहो सो अल्लाह की कसम, भगवान राम की कसम,
मरे बाप रे, हाउ इज़ दैट? मैं मतलब जीन बताता है उसको कि कैसे मैं भीख मांगूंगा यूं पाए रहे, नॉट बेड, नहीं बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा, बट मेक इट 7 days एंड स्क्वाइन स्लाइटली, थोड़ा सा ऐसे बनाना कि 7 दिन का, इट्स श्योर साइन ऑफ द स्टारवेशन। और ये जो है थोड़ा सा इस तरीके से बनाना कि 7 दिन का भूखा है और श्योर साइन होगा स्टारवेशन, भूखमरी का। पायरे नॉकिंग ऑन द केक शॉप डोर, और पायरे जिन एग्जिट होता है वो स्ट्रीट की तरफ और पायरे जाता है केक शॉप की तरफ क्योंकि उसका टारगेट केक शॉप। आर्म्स गुड सर फॉर द लव ऑफ गॉड एंड ऑल इज ब्लास्ट एंजल, टेक पिटी ऑन अ पुअर ट्रैवलर हु हैज हैड नो फूड फॉर अ वीक। ओ हो हो, पायरे बोलता है, गुड सर, दया करो मुझ पर, भगवान के लिए दया करो, ईश्वर के लिए दया करो मुझे, और आप देवदूत हैं है ना, मुझ गरीब यात्री पे दया करो जिसने 7 दिनों से खाना नहीं खाया। मिस्टर गाल्टियर कम्स टू द डोर, ही इज़ अ मैन ऑफ अबाउट 50। मिस्टर गाल्टियर जो है वो केक शॉप ऑनर है, वो उनकी एज जो है 50 ईयर्स की है, वेल प्रिजर्व्ड एंड ऑब्वियसली कंटेन विथ इज लॉट। सबसे बड़ी बात है कि वेल प्रिजर्व्ड है और बहुत खुश भी हो आज। गाल्टियर गो अवे, आई हैव गॉट नथिंग फॉर यू, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। माई वाइफ इज ऑलवेज एंड आई एम बिजी, हमेशा ये बात ध्यान रखना, मैं और मेरी वाइफ हमेशा बिजी रहते हैं। यू हैड बेटर गो टू द नेक्स्ट स्ट्रीट, तुम्हें भीख मांगने के लिए अगले स्ट्रीट में जाना चाहिए। गाल्टियर स्लैम्स द डोर, गाल्टियर ने दरवाजा बंद कर दिया, एग्जिट पायर है एंड री एंटर जीन राइट एंड लेफ्ट, ही लुक्स एट द डोर हेजिटेट एंड देन नॉक्स। ओ इधर जो है, इस तरफ जो है जिन जो है वो किसी दरवाजे पे क्या है नॉक करता है। जिन फॉर द लव ऑफ द सैंट अगाथास सैंट निकोलास एंड सैंट क्रिस्पिन एंड ऑल द ब्लेस्ड कंपनी ऑफ द हेवन, हैव पिटी अपॉन अ पुअर माइजरेबल हु हैज हैड नो फूड फॉर 7 डेज। जिन भी दरवाजे ठोकता है और कहता है कि सेंट अगाथा की कसम, सेंट निकोलस की कसम, सेंट क्रिस्पिन की कसम है ना, 7 दिन से इस पुअर, इस गरीब ने खाना नहीं खाया है। द डोर इज़ ओपन बाय मारियो, सीज यंगर देन हर हस्बैंड, अस्टाउट स्टाउटिस बट कामली। सबसे बड़ी बात है कि वो भी जिन भी इसी दरवाजे पे आता है, उसकी मिसेस मारियो जो है दरवाज़ा खोलती है, वो उसके जो है पति से थोड़ी यंगर है ना, और बट बहुत कॉम है वो। ओके बढ़िया, मज़ा आता है। मारियो गो अवे बेगर, माई हस्बैंड इज़ आउट एंड आई हैव नथिंग फॉर यू, हट बेटर कॉल अगैन वैन ही कम्स बैक। मारिया बोलती है कि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है और वो मेरे पास तुम्हारे तुमको देने के लिए कुछ नहीं है और तुम यहाँ से चले जाइए। मारियो शट्स द डोर, जिन सिट्स डिसकॉन्सोलेटली ऑन द बेंच। प्रेजेंटली गाल्टियर कम्स आउट ऑफ द शॉप, ही मेक्स एज इफ गो टू गो आउट बट रिमेंबर समथिंग एंड गोज बैक टूवर्ड्स द शॉप। मारियो अपीयर्स एट द डोर, इसी समय मारियो जो है, मारियो ने डोर बंद कर दिया। जिन जो है डिसकंसोलेटली जाके बेंच पे बैठ गया है, उसी समय उसने देखा कि गाल्टियर बाहर आता है शॉप से और फिर वो एकदम जाने को टू गो आउट, बट उसको कुछ बात ही आ जाती है, समथिंग एंड गोज़ बैक टू, और कुछ बात याद आई और वापस वो घर में जाता है। मारियो इतनी देर में मारियो डोर ओपन करती है ना, और गाल्टियर अहम मारियो आई एम जस्ट ऑफ टू डाइन विद मेयर। अरे मारियो माई डार्लिंग, आज मैं मेयर के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। ही कीप्स नन टू गुड अ टेबल, आई एम थिंकिंग दैट आई हैड बेटर टैक दैट इल पाई विथ मी एंड बिग वन दैट आई मेट लास्ट मंडे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो जो इल पाई है सबसे बड़ी वाली, वो मैं ले जाऊँ साथ में, और आई मेट लास्ट मंडे, जो मैंने लास्ट मंडे बनाई, जस्ट गेट इट फॉर मी, मेरे लिए लेके आए। हरी आई मस्ट नॉट बी लेट, मैं लेट नहीं होना चाहिए। मारियो वेरी गुड हस्बैंड, सी गोज बैक इन टू द शॉप बट गाल्टियर कॉल्स हर बैक। वो अंदर जाती है वो लेने के लिए, इल पाई लेने के लिए, पर गाल्टियर उसको वापस से बुला लेता है। गाल्टियर वेट, आई कांट वेरी वेल बी सीन कैरिंग एन इल पाई थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द पैरिस, कैन आई?
अरे मुझे एक बात ध्यान आई कि मैं अगर ये इलपाई अपने हाथ में लेके जाऊंगा इतनी बड़ी स्ट्रीट पर, पेरिस की सड़कों पे, क्या मैं अच्छा लगूंगा? नॉट क्वाइट द थिंग फॉर मैन ऑफ माई पोजिशन, मेरी पोजिशन, मेरे स्टेटस पे, जिस स्टेटस में मैं हूँ उस स्टेटस पे मुझे वो पाई हाथ में ले जाना अच्छा नहीं लगेगा। डू यू थिंक यू कुड ब्रिंग इट अलॉन्ग आफ्टर मी? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इसकी बात मुझे ला के दे सकती हो वहाँ पर? मारिया, क्वाइट इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मारिया कह देती कि नहीं, आई हैव टू मच टू डू टू रन एरेंड्स एंड व्हाई नॉट सेंड समवन बैक फॉर ईट। अरे तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? सो द क्वाइट इम्पॉसिबल। अरे बोले तुम मुझे क्यों दौड़ा रहे हो वहाँ पर? तुम किसी को वहाँ पहुँच कर किसी को भेज देना। गर्ल टेरा गुड आइडिया, बट हु? बहुत अच्छा आइडिया है, पर कौन? मारियो, वैल यू विल बी बाउंड टू मीट समवन ऑन द वे। अरे कोई ना कोई तुम्हें रास्ते में मिल ही जाएगा। गाल्टियर, यस, बट हाउ विल यू नो इफ ही इज द राइट वन? गाल्टियर पूछता है उसकी वाइफ से कि अगर मैं किसी को भेजूंगा तो तुम ये कैसे पता लगाओगी कि वह मेरे द्वारा भेजा हुआ सही व्यक्ति है? एनी वन माइट जस्ट कम एंड से दे हैड बीन सेंट। कुछ नहीं है, वो आके मुझे कह दे कि आपके द्वारा भेजा हुआ है। मारियो, आई हैड अ थॉट ऑफ दैट। मैं इस तरीके से नहीं सोचती। गाल्टियर, आई हैव इट, आई विल टेल द मैसेंजर व्हेन आई हैव फाउंड हिम टू किस योर हैंड, दैट विल बी द साइन अप एंड देन यू विल नो दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। गाल्टियर कहता है कि मैं उसको भेजूंगा, मैसेंजर को ये कहूँगा कि जब वो तुम्हें मिले तो तुम्हारे हाथ पर तुम्हें बात बताए और तुम्हारे हाथ पर किस करे, और बस तुम ये समझ लेना है कि सब कुछ सही है। मारियो लाफिंग, वेल चूज अ गुड लुकिंग मैन। हाँ बोले, बहुत अच्छी बात है, पर है ना, किसी को भी ढूंढो तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना कि जो दिखने में बहुत अच्छा है। मैडम गाल्टियर्स हैंड इज़ नॉट फॉर एवरी वन टू किस। मैडम गाल्टियर के जो हाथ है वो हर किसी के चुमने के लिए नहीं है। मारियो रिटर्न्स टू द शॉप। गाल्टियर एग्जिट एंड जिन वो हैज़ ओवर हियर्ड ऑल द फॉर गोइंग सिट्स पॉन्डरिंग प्रेजेंटली एंटर पायर ही। मारियो अपनी शॉप में रिटर्न हो जाती है। गाल्टियर एग्जिट हो जाता है डाइन के लिए, डिनर पार्टी के लिए। इधर जिन जो कुछ भी नहीं मिला वापस आया, उसने सुन लिया, पूरा पूरा प्लॉट सुन लिया है उसने, और पॉन्डरिंग प्रेजेंटली इतनी देर में पायरा आ जाता, पायरा एनी लक? जिन, यस एंड नो, है भी और नहीं भी। व्हाट डज द मीन, व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? जिन, आफ्टर पॉज, लुक हियर, आर यू रेडी टू डू एग्जैक्टली एज आई टेल यू एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड? जिन कहता है कि, थोड़ी देर रुकता है और बोलता है, देखो मैं जो कह रहा हूँ वो एग्जैक्टली जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना है, तुम करते हो, एंड यू नो क्वेश्चंस आस्क्ड, और तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। पायरे, आई विल डू एनीथिंग टू कीप माई स्टमक क्वाइट। मैं कुछ भी करने को तैयार है मेरी भूख की, मेरी पेट की भूख शांत करने को। जिन, वेरी वेल, नाउ लिसन, आई एम गोइंग इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट डायरेक्टली आई एम गॉन। गो अप टू द डोर, नॉक ऑन इट एंड से, तुम नेक्स्ट स्ट्रीट में जाओ। जैसे मैं गया, जाओ और डोर खटखटाओ। पायरे, थैंक्स, आई हैव बीन देयर वंस टुडे ऑलरेडी, ऑलरेडी आई गॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मिमिकिंग मिस्टर गाल्टियर्स पोम्पोस मैनर, गो अवे पैगर, गो अवे, आई एम बिजी, गो इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट। ओह, वो बिल्कुल करके बताता है, मैं गया, और इस तरीके से पूरे मैनर में मिमिक्री करता है वो किसकी? गाल्टियर की। जिन, नेवर माइंड अबाउट दैट, लिसन, आई से डायरेक्टली आई एम गोइंग टू गो अप टू द डोर एंड नॉक ऑन इट, द लेडी विल कम टू द डोर। अब मैं, नेवर माइंड जो मैंने बोला वो नहीं, अब सुनो, मैं जैसे ही जाऊंगा डोर पर लेडी आएगी। पायरे, बट हाउ डू यू, तो आएगी तो उससे क्या होगा? जिन, डोंट इंटरप्ट, द लेडी विल कम टू द डोर व्हेन शी डज सो, यू विल टेक हर हैंड एंड कीस इट। जैसे ही लेडीज बाहर आए, है ना, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसका हाथ हाथ में लेना है और उसको किस करना है। पायरे, किस द लेडीज हैंड? आई थिंक यू आर मेकिंग अ स्लाइट मिस्टेक ब्रदर, आई एम नॉट लव सिक, आई एम स्टारविंग। अरे तू यार, तू गधा है यार, है ना, मतलब तू मेरे से कह रहा है कि वो लेडी जब बाहर आया तो मैं क्या करूँगा,
उसके हाथ पे किस करूंगा तो मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मैं लव से थोड़ी मरा जा रहा हूँ। जिन वेट यार वेट दैट्स नॉट ऑल, अरे ये तो बात अधूरी है बेटा। व्हेन यू हैव किस्ड हर हैंड यू विल से, जब तुम उसके हाथों को उस मारियो के उस लेडी के हाथों पे किस करो तब तुम्हें क्या बोलना, मैडम आई एम सेंट बाय मिस्टर गॉल्टियर टू फेस द पाई, मैडम मुझे मिस्टर गॉल्टियर ने भेजा है पाई लेने के लिए। शी विल देन गिव यू अ लार्ज इल पाई एंड, अरे वेरी गुड, और तब वो तुम्हें इल पाई ला के देगी और उसके बाद तो फिर हमें आनंद ही आनंद है। पायरे एंड द हेवंस विल ओपन रोस्ट फॉल एंड द नेक्टेरियंस विल बी सीन टू रेन अपॉन द स्वॉर्म फ्रॉम द क्लाउड्स एंड द सैम्पेंस विल बी हियर्ड गर्गलिंग इन द गटर्स वेयर डिड यू लर्न दिस कंजरिंग ट्रिक। उसके बाद हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, है ना, हमारे ऊपर ये समझो कि भगवान के आशीर्वाद की बारिश होगी और शैम्पेन की बोतलें जिस तरीके से खुल के गटर में बहती है उस तरीके से पूरा नज़ारा बहुत ज़बरदस्त होगा। वेयर डिड यू लर्न दिस कंजरिंग ट्रिक, और बोले वो पीरे पायरे बोलता है कि ये बेवकूफ़ी वाली ट्रिक तुमको कहाँ से आई। जिन वेरी वेल बिलीव इट और नॉट एज यू लाइक, तुम बिलीव करो या नहीं करो, द पॉइंट इज आर यू हंग्री और यू नॉट, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम भूखे हो या नहीं हो। पायरे रविंग इज वेस्ट लाइन हम एंड आई विल होलो एज देयर दैट ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर कुड नेस्ट इन, अरे उसके वेस्ट लाइन को वो ऐसे करते हुए यूँ घुमाते हुए पेट पे बोले मैं पूरा ऐसा लगता है कि जैसे ये बर्ड है उसका घोंसला है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जिन देन डू एज आई टेल यू, जिन कहता है कि तो फिर इसका मतलब है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते जाओ। इफ़ इट डजेंट कम ऑफ द नेवर ट्रस्ट मी अगेन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझ पर आगे से कभी भरोसा मत करना, बट इट विल, पर अभी तो तुम्हें करना होगा। पायरे क्रिमिनी जिन आई बिलीव यू आर सीरियस, अरे ओ जिन तुम बहुत बड़े क्रिमिनी हो और मैं सीरियस हूँ इस बारे में। जिन ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, पायरे ऑल राइट आई विल डू इट गुड, जिन के पास अच्छी बात है जाओ बेस्ट ऑफ लक। पायरे टेल मी अगेन व्हाट डू आई हैव टू डू, पायरे बोलता है मुझे एक बार फिर से बताओ कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। जिन इट्स ऑल क्वाइट सिंपल, गो अप एंड नॉक एट द डोर एंड से प्लीज मैडम मिस्टर गॉल्टियर हैज सेंड मी फॉर द इल पाई, शी वॉन्ट गिव इट टू यू टिल यू हैव किस्ड हर हैंड, दैट्स इम्पोर्टेंट। आप जाइए नॉक करिए डोर पे, मारियो आएगी मैडम और उससे कहना प्लीज़ मैडम मिस्टर गॉल्टियर हैज सेंड मी, उन्होंने मिस्टर गॉल्टियर ने मुझे भेजा है उस इल पाई के लिए, और वो आपको ऐसे इल पाई नहीं दे देगी जब तक तुम उनका उसका हैंड की हैंड पे किस नहीं करते, और सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड पे किस करना। पायरे बट सपोज द हस्बैंड कम टू द डोर, बोले कि मैं किस करने जाऊँ और हस्बैंड दरवाजे पे आ जाए तो फिर क्या होगा। जिन ही वॉन्ट हिज आउट, अरे वो तो है ही नहीं, वो बाहर है तभी तो कह रहा हूँ। आई हैपन टू नो इट, मुझे मालूम, नेवर माइंड हाउ बट आई डू, नाउ आई एम गोइंग राउंड द कॉर्नर, आई शैल बी बैक इन 5 मिनट्स एंड डोंट यू स्टार्ट डिनर टिल आई कम। एग्जिट, जिन जिन चला जाता है। पायरे नॉक्स ऑन द डोर, मारियो आंसर इट। पायरे गुड मॉर्निंग लेडी आई हैव कम फ्रॉम मिस्टर पाई, मिस्टर पाई बोल देता हु सेंड्स मी टू फेच द गॉल्टियर, वो कहता है मुझे मिस्टर पाई ने भेजा, देखो घबराहट हेजिटेट ऐसी चीज़ें, और मैं गॉल्टियर को लेना है। आई शुड से आई हैव कम फ्रॉम मिस्टर गॉल्टियर हु सेंड्स मी टू फैच द पाई द इल पाई, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सीधे कहना ये चाहता हूँ कि मिस्टर गॉल्टियर ने मुझे भेजा है और मुझे इल पाई लाने के लिए भेजा। मारियो एंड हाउ एम आई टू नो यू आर हिज मैसेंजर, अच्छा फिर मैं कैसे जानूँ कि तुम उन्हीं के मैसेंजर हो। ओहो पायरे आह कॉयरे एंड अलाउ मी लेडी टू किस यूर हैंड, तुम मुझे अपना हाथ चुमने दो। हो ही अटेम्प्ट टू सीज हर हैंड बट मारियो स्नेच इज अवे, वो मारियो का हाथ खींचने के लिए हाथ बढ़ाया पर मारियो ने हाथ खींच लिया,
ओके मारियो ऑल राइट दैट विल डू ओके वेट देयर एंड आई विल गेट इट. तुम यहाँ रुको और मैं लाती एग्जिट एंड रीअपियर्स विद पाई हियर इट इज टेक केयर हाउ यू कैरी इट इट्स वेरी गुड पाई. तुम बहुत अच्छे से इसको ले जाना बहुत अच्छी पाई है. पायर रेस्ट एस्योर्ड लेडी आई शैल टेक द ग्रेटेस्ट केयर ऑफ इट. मैं बहुत अच्छे से ले जाऊँगा. एज द कैरियर ऑफ इल पाइज आई क्लेम टू बी द सेकेंड टू नोन नन इन ऑल पेरिस. इल पाई ले जाने के कैरियर इल पाई के को ले जाने वाला लाने ले जाने वाला मैं अकेला सेकेंड हूँ. मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है. इट शैल ट्रेवल दस क्लोज टू माई बॉसम एज मदर विथ हर बैंथलिंग एंड शेफर्ड विथ इज एज एज उर्सुला विथ हर मैडन्स सो विल आई प्ले द गार्जियंस एंजल विद द स्पाई इट्सेल्फ. वो बहुत सारी उपमाएँ दे देता है कि जैसे माँ अपने बच्चे को शेफर्ड अपने मेमने को इस तरीके से जो सेंट है वो मैडन्स को इनको ले जाते हैं उस तरीके से मैं इसको केयर के साथ ले जाऊँगा. मारियो बी ऑफ देन एंड डोंट वेस्ट टाइम इन गेटिंग देयर. सबसे बड़ी बात है कि जल्दी से जाओ यहाँ पर लेट मत करो. शी क्लोजेज द डोर आफ्टर शी हैज़ गोन. डोर क्लोज करके वो अंदर चली जाती. पायर स्टैंड होल्डिंग द पाई एज इट टू फाइट. ही देन प्लेसेज इज केयरफुल ऑन द बेंच एंड सिट्स बिसाइड इट्स गेजेज एट लविंगली प्रोडिंग इज नाउ एंड देन विद हिज फिंगर्स. अरे गजब की चीज़ उस पर हाथ फेरते और अरे मजा आ गया. पायरे इनको दोनों को बेंच पे रख देते पाई को. पायरे दिस मस्ट बी ड्रीम एंड प्रेजेंटली आई सेल बैक. ये बिल्कुल सपना है और ऐसा नहीं लग रहा कि हम जग गए. ऐसा तो नहीं सपना है. वन ऑफ दोज ड्रीम दैट टू गुड टू लास्ट. ये वो ड्रीम है ये वो सपना है जो कभी खत्म नहीं होना चाहिए. आई नो बिकॉज आई हैव हैड देम वंस ऑफ द ट्वाइस बिफोर पिकिंग अप द पाई टेंडरली एंड स्निफिंग इट. गुड ड्रीम लास्ट अ लिटिल लॉन्गर जस्ट नाउ आई हैव द हैवंट वेरी लिस्ट डिजायर टू वेक अप. बोले ये तो गजब की चीज़ है इसमें कहाँ नींद ही नहीं खुलना चाहिए. एंटर जीन वेल व्हाट डिड आई टेल यू. पायरे पुटिंग हिज फिंगर्स टू हिज लिप्स. डोंट स्पीक टू लाउड यू माइट वेक मी अप. ज़्यादा जोर से मत laughing and clapping him on the back. Wake up, then it's dinner time. Picking up the pie, we won't wait for the nectarians and the champagne. This will do to start with. He goes out carrying the pie in front of him. Jin follows as if in a trance, nose in the air, sniffing. After a pause, enter Galtier. He is obviously angry and rather out of the breath. He knocks on the door. Mario opens it. Mario, what? Pack already? इसी समय जब ये पाई के साथ कुछ करते रहते हैं उसी समय जो है गॉल्टियर वापस आ जाता है. डोर वो खटखटाता है और बस मारियो एकदम बाहर आती. अरे बोले व्हाट बैक ऑलरेडी बैक ऑलरेडी. अरे तुम क्यों आ. गॉल्टियर द मेयर वाज आउट. अरे मेयर जो था वो बाहर है. नाइस वे टू ट्रीट अ गेस्ट. ये किस तरीके का मेहमान को बुला के और बाहर निकल के आस्क हिम टू डिनर एंड देन गोज आउट एंड द फोर गेट्स ऑल अबाउट इट. वो बुलाता है लोगों को निमंत्रण देता है और खुद बाहर निकल जाता है. आई विल गेट हेवन विथ हिम फॉर इट वन डे. मार्क माय वर्ड्स गैस्पार्ड एंड गॉल्टियर इज नॉट द मेन टू बी ट्रीटेड लाइक दैट. ओह नो गैस्पर गॉल्टियर के साथ इस तरीके से उसने किया है बहुत गलत बात है. मारियो बट व्हाट विल यू डू फॉर डिनर. अब तुम क्या करोगे डिनर के लिए. गॉल्टियर डाइन एट होम ऑफ कोर्स वेयर एल्स. अब क्या घर पे खाना खाऊंगा. मारियो बट देयर्स नथिंग इन द हाउस टू ईट. परंतु घर में खाने को कुछ नहीं है मारियो बोलती है. गॉल्टियर नथिंग टू ईट. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. देयर इज द इल पाई हैजंट इट. अरे इल पाई थी वो कहाँ गई. बट यू सेंट फॉर इट. आई गेव इट टू द यंग मैसेंजर नॉट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर. आधे घंटे पहले मैंने किसी यंग मैसेंजर को दे दिया. अब तुमने भेजा था वो. गॉल्टियर प्रिकिंग अप हिज ईयर्स. आह व्हाट दैट. मारियो आई गेव द पाई टू द मैन हु केम फॉर इट जस्ट एज यू टोल्ड मी टू. ही किस्ड माई हैंड एज यू सैड ही वुड एंड आई टोल्ड हिम टू हरी. डिडेंट यू मीट हिम ऑन द रोड. आई सेंड नो मैसेंजर. मारियो बट आई से आई सेंड नो मैसेंजर्स सडनली
threateningly, "What have you done with that pie? Believe you have eaten it." बोले तुम खुद तो नहीं खा गए मारियो. नो नाउ डोंट बी अफसार्ट गैस्पार. ऑफ कोर्स आई हैवंट ईटन इट. आई टेल यू द मैसेज केम एज यू अरेंज्ड एंड आई गेव हिम द पाई. यू मस्ट बी क्रेजी इफ यू डिडंट सेंड हिम. हु एल्स डिड गल्टियर. इफ दिस इज अ जोक वुमन लेट मी टेल यू दैट इट्स इन वेरी बैड टेस्ट. आई विल सून सी फॉर माई सेल्फ इफ द पाई इज देयर और नॉट. And if it isn't, you will have to find a good explanation. He strides into the shop, followed by the Mario. After a considerable pause, re-enter Jean and Array. They have all the appearance of the having and enjoyed a good repast. That sit arms round each other's shoulders at one end of the bench. Pare Jean, my stomach being as it were now composed, my brain is beginning to function. I have an idea. Jin, slowly. My friend, slowly, my doctor warned me that after a meal, the brain must not be overworked. It is in the interest of the digestion. Pyre, agreed. We will approach the problem cautiously. The matter of the pie which we have just eaten, you will agree that it was a masterpiece. Jin, it was the work of an artist. Pyre, the composition was faultless, the flavor just so, and then the crust was ever such a crust. Picking his teeth with his finger, the memory of it still abides with me. Jin, and what else? The tenderness and the plasticity, I wonder where he catches them. Pyre, he does not catch them. They give themselves up. No ill could resist the blandishment of such an artist as Mr. Galtier. To my mind, the pie had but one fault. Jin, and that pie, its singularity, there should have been two. Listen, my Jin. When I was waiting at Mr. Galtier's door, I saw a tart. It was on a shelf just outside the kitchen. I think it was a cranberry tart. I was allowed one glimpse of it and the vision faded, but it was a tart to dream about. Succulent, spiced, sugared, and very tart to sit affably on a foundation of ill pie. I see no reason why the tart should not be ours. Would not you like to go and fetch it? Aye, aye.